आवारा गौवंशों द्वारा किसानों की बर्बादी की जा रही फसलों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारियों ने सादाबाद तहसील परिसर में सहपाऊ क्षेत्र के किसानों के साथ मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं का कहना था कि उनके द्वारा 7 दिसंबर को सादाबाद तहसील में SDM को समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज भी आवारा गौवंश और जंगली जानवर किसानों की फसलों को रौंदकर और अपना ग्रास बनाकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। यह आवारा गौवंश किसानों पर हमलावर भी हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसान घायल हो रहे हैं बल्कि उनकी जान भी जा रही है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, तालाबंदी करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। इस मौके पर गजेंद्र सिसोदिया, अमित चौहान, इंद्रपाल सिंह, लायक सिंह, रमेश चौहान, साहब सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ा बच्चा जब पानी नहीं मिलता हमारे क्षेत्र में, और सबसे बड़ा बच्चा जल हमारा बिजली विभाग का अधिकारी है, ऐसा मानते हैं बिजली देते नहीं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, DAP खाद दे दिया लोग नहीं मिल पा रहा, उसके लिए साथ में पैसा डाल लेते हैं, सामान को ब्लैक में बेच रहे हैं, स्टॉक रखते नहीं, न कोई सूची लगाते हैं कि कितना है, कितने रुपये का देना चाहिए, सारी बातें परेशान कर रही है। तो इसको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील पर? हाँ। तो अधिकारी सुन रहे हैं? अधिकारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और धरना करेंगे। ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन दिया हमको 7 तारीख को।